alaikum uh, all guys I hope you are all fine and you have enjoyed the last two lectures lecture YouTube video so I hope that uh, there is, there, is there, should, there should be no problem in there because I'm going quite slow with you people as I said uh, since the course is now online, and I do understand that you will be having some troubles with the online because uh, explaining something on the board and then explaining something on the online on the computer. Uh, so it should be a little bit difficult for you. So, having said that, uh, that is the reason I'm going quite slow with you, and usually.

सो दिस विल गिव यू अलॉट ऑफ टाइम डीप इन टू वेट एंड रीड समर्सेस एंड आई डे आप लोग इसके साथ साथ ऑनलाइन और भी जगहों से इसमें मटीरियल ढूंढ रहे होंगे जैसे कि आप पढ़ते हैं uh, बुक आप बी एल्थेराचा की भी यूज कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा इनफैक्ट uh, मैं तो खुद ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग बुक्स की जगह ऑनलाइन बस टॉपिक जो है गूगल में डाल दिया करें तो आप लोगों को बहुत सारे लेटेस्ट लिंक्स मिल जाएंगे तो उसके ऊपर आपको बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन uh, मिल जाएगी सो एज़ आई सेड इंडस्ट्रियल ड्राइव्स जो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत जगहों पे इस्तेमाल होते हैं बट नन ऑफ यू कैज एवर आस्ट मी टू कोट सम एग्जाम्पल्स आई वॉज थिंकिंग टू गिव यू सम्जाम्पल्स so remember wherever there is a controlled motion okay controlled motion there is a difference between a normal motion and a controlled motion now what is controlled motion and what is a normal motion normal motion is something where you do not have any feedback system the motor doesn't know what i am going what what is happening it just keeps on rotating however if you go to a sophisticated system such as ac

आप लोगों का वॉशिंग मशीन चल रहा होता है नो इट इज नॉट लाइक दिस इज़ अ टाइमर टाइमर इन जो है इसको uh, मशीन की रोटेशन को कंट्रोल करता है यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एंड द सो वी विल कीप कीप द द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एंड लोकोमोटि फॉर फ्यूचर वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जो कि हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास uh, जो है कंट्रोल्ड मोशन में आती है वो हम बाद में देखेंगे जब मैं आपको ट्रैक्शन और ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा ठीक है बट एट द मोमेंट इसको यहीं तक याद रखें कि एनी थिंग देट हैज़ गॉट सम काइंड ऑफ मोशन समी थिंग दैट हैज गॉट कंट्रोल मोशन लाइक आई मीन टू से सेनी मोटर दैट इज कंट्रोल सम फीडबैक सिस्टम दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक ड्राइव ठीक है सो द मेन हार्ट ऑफ द Industrial drive or an electric drive should be or is is always a motor because motor is something that pumps or generates the main energy by utilizing some electrical energy. Okay, so uh, to make the concept a bit broader for industrial applications, so we we can see even that uh, uh, although I have written here that high power applications, but even in the

उसके साथ पीछे कोई फीडबैक सिस्टम लगा होगा जो कि उसको बता रहा होगा कि आप इतनी स्पीड से चलें या कोई और कोई कंडीशन होगी तो ये आपका सारा फीडबैक सिस्टम है ठीक है सो दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स लाइक हाई पावर एप्लीकेशन जैसे स्टील वॉलिंग मिल्स टेक्सटाइल मिल्स और एनी अदर एनी अदर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स मोटर कंट्रोल ठीक है सो so, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहली भी पढ़ाई थी बट आई जस्ट वॉन्ट टू रीडू इट अगेन बिकॉज हमारे जो फर्स्ट फोर टू फाइव लेक्चर्स होंगे दीज आर गोइंग टू बी द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक और इंडस्ट्रियल ड्राइव सो योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दीज बेसिक्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एनी लेक्चर और एनी पॉइंट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इन दीज फर्स्ट फोर और फाइव लेक्चर गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू To understand the next lectures, that is why I am repeating things uh, again and again in different perspectives so that you know the flavor. क्या क्या so, this is quite a technical course, and you higher end semesters. गिया गिया। now, coming back to the block diagram, I just you typically industrial drive key, electric drive key. मैंने आपको एक ब्लॉक uh, डायग्राम बना के दिया था uh, यहां पे मैंने इसमें एक एडिशनल कुछ ब्लॉक्स इसमें ऐड कर दिए uh, जो द प्रीवियस ब्लॉक डायग्राम दैट वी हैव ड्रॉन आर आल्सो करेक्ट बट आई वुड रिकमेंड दैट वेयर आई वर इन इंटरव्यू और इवन इन द एग्जाम इफ यू आर आस्ट टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम सो दिस डायग्राम विच इज राइट हेयर यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस वन the reason here is because this is a bit more elaborated tk is my push blocks of zia now uh, I, don't, uh, I don't think so that the previous diagram had a power modulator shown in there so the first part here is the power supply tk now the power supply could be an ac or dc depending upon your application the previous diagram

Now, जैसे यह मैंने पहले भी बताया था दिस और डी सी डिपेंडिंग दिसल बान टेक एनी एग्जाम्पल ठीक है सिर्फ uh, uh, be so आपको इसको uh, मेन जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो यही होनी है कि हमने इस चीज में टॉर्क आगे सप्लाई करनी है ठीक है सो so, uh, उसके बाद ओके देन वी हैव द सेंसिंग यूनिट एंड एज आई टोल्ड यू दैट द सेंसिंग यूनिट इज यूजुअली अ ट्रांसड्यूसर ठीक है नाउ व्हाट basically is is the work of of Transducer is anything that converts one form of a signal uh, into another form of a signal. theek hai to isko physically हम क्या कह सकते हैं तो देखें जैसा कि आपके पास गाड़ी का एक स्पीडोमीटर है ठीक है तो स्पीड sort ऑफ of एक सिग्नल है ठीक है जो कि वो किसी भी गियर सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा या व्हील सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा या इंजन के किसी पुली के साथ कनेक्ट होगा या किसी भी चीज़ से के साथ कनेक्ट होगा और उसके बाद वो आपको वो गियर की जो स्पीड मोशन होगी उसको कन्वर्ट करके आपको एक डायल के ऊपर या डिजिटल फॉर्म में या एनालॉग फॉर्म में आपको स्पीडोमीटर पे नज़र आ रहा होता है कि ये मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसड्यूसर नाउ अगेन एनदर एग्जाम्पल वेन यू आर मयरिंग वोल्टेज इन योर हाउस सो वट हैपन्स एक नीडल डिफ्लेक्ट करती है ठीक है तो आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेश ड्यू टू ड्यू टू दोल्टेजल पोजिशन तो आप लोगों के पास वो भी एक ट्रा, ट्रांसड्यूसर है जो कि एक इलेक्ट्रिक uh, वोल्टेज को आपको कन्वर्ट कर रहे है, एक डाइल के ऊपर ठीक है इसके अलावा वट एल्स कैन बी अ ट्रांसड्यूसर Uh, yes, जै, कि आपके पास एक टी like, uh, 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 डी आप पानी में देखते हैं कि इसमें कितने चीजें uh, डिजोल्व है जिसमें कितने मिनरल्स डिजोल्व हैं, तो उसके लिए कोई टेस्ट के इक्विपमेंट होते हैं या पी एच मीटर होता है ठीक है एनी थिंग यू जस्ट टेक एनी इंडिकेटर और एनी सेंसिंग मटीरियल ठीक है दैट इज योर ट्रांसड्यूसर जो कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है और आपको उसकी रीडिंग बता देता है ठीक है सो दिस इज आवर सेंसिंग यूनिट ठीक है ना वट है हमने ये शुरू में ही पढ़ा है कि हमने मोटर के टॉर्क को या मोटर के मोशन को कंट्रोल करना है इन एन इलेक्ट्रिक ड्राइव ठीक है ये हमारा बेसिक टारगेट है इंडस्ट्रियल ड्राइव या इलेक्ट्रिक ड्राइव में के कोर्स का तो हमने मोटर को पावर सप्लाई दे दिया हमने पावर मॉड्यूलेटर से उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली अभी हमने लोड को टॉर्क या जो टॉर्क है वो भी डिलीवर कर दिया अब काम हमने क्या करना है कि हमने टॉर्क तो डिलीवर कर दिया लेकिन हमने ये देखना है कि लेटेस्ट से अगर मैं एक नॉर्मल कन्वेयर बेल्ट की बात कर रहा ठीक है

if you put some load on it let's say आपने उसके ऊपर 20 kg की कोई बोरी डाल दी कोई शुगर की बोरी डाल दी कोई सॉल्ट की बोरी डाल रही या कोई सीमेंट की बोरी डाल रही सो व्हाट विल हैपन आपके कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जब लोड पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली मोटर के ऊपर भी लोड पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि आपकी मोटर की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी सो फॉर दिस पर्पस वी नीड अ सेंसिंग यूनिट जो कि वो इस चीज को डिटेक्ट करे जैसे वो इस चीज को डिटेक्ट करेगा तो वो सप्लाई करेगा इस सिग्नल को कंट्रोल यूनिट में कि यहाँ पे जो तो है स्पीड कम हो गई तो वो कंट्रोल यूनिट आगे फिर पावर मॉडुलेटर को बताएगा कि यार या तो अपना करंट इंक्रीज कर दो या अपना वोल्टेज इंक्रीज कर दो ताकि मोटर की स्पीड ज्यादा हो जाए ठीक है सो वट द फीडबैक सिस्टम यू आर बेसिकली कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द मोटर ओके okay, अब आपने लोड तो डाल दिए तो आपने उसकी वो स्पीड बढ़ा दी है ठीक है तो आपने यहाँ पे कंट्रोल कर दिया अब नेक्स्ट केस क्या के आ सकता है कि लेटस से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वो जो बैग जो था चाहे वो शुगर का था या सीमेंट का था वो आगे उसने अपने एक डेजिग्नेटेड लोकेशन में बैग को ड्रॉप करवा दिया नाउ व्हाट विल हैपन आपने तो uh, मोटर की स्पीड को ज्यादा किया हुआ था सेट कीपिंग इन द माइंड कि उसके ऊपर लोड था अब क्या होगा कि जैसे ही वो लोड उससे हट जाएगा तो आपका मोटर तो एकदम ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा ठीक है सो दैट इज ऑल्सो डेंजरस बिकॉज यू नीड टू रोटेट द कन्वेयर बेल्ट एट टेन रेवोल्यूशन पर मिनट जो कि हमने शुरू में अज्यूम किया है सो वट विल हैपन यूनिट विल अगेन सेंस दिस चेंज And it will deliver this signal to the control unit, and the control unit will tell the power modulator to reduce your amperes or reduce your voltage so that the motor drives at that particular speed which is required. So this is basically the very uh, in a very primitive way or in a very basic way what an electric drive should look like. Now remember again, I am telling you, remember. कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव नॉट द मोटर मतलब क्या हो गया के motor जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव नहीं है जिसमें पावर सप्लाई है पावर मॉडुलेटर है मोटर है लोड है सेंसिंग यूनिट है, है और कंट्रोल यूनिट है ये सारी चीजें जब कंबाइन हो जाती है देन यू गेट द सिस्टम विच इज कॉल्ड एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव ओके ये अपने माइंड में बिठा लें एंड दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स यू माइट बी आस्क्ड इन एन इंटरव्यू एनी वेयर जहां पे आप इलेक्ट्रिक ड्राइव का इंटरव्यू देंगे रिगार्डिंग अगर उसके साथ कोई चीज हो तो इट इज क्वाइट पॉसिबल के आपसे मोटर और इलेक्ट्रिक ड्राइव के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए सो योर आंसर शुड बी दैट अ मोटर इज सिंपल मोटर इट इज डम्ब आइटम ठीक है इट ड हैव एनी कंट्रोल कंट्रोलिंग फीचर बट इन एन इलेक्ट्रिक ड्राइव यू हैव पावर सप्लाई पावर मॉडुलेटर मोटर लोडिंग यूनिट एंड द कंट्रोलिट ठीक है इन सिंपलर वे आप बता सकते हैं कि उसमें क्लूज लूप सिस्टम होता है जो कि मोटर को बताता है कि आप अपना स्पीड कम करो अपना स्पीड ज्यादा करो या अपना टॉर्क ज्यादा करो टॉर्क कम करो ठीक है कोई क्वान्टिटी ज्यादा करो क्वान्टिटी बंद करो सो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड एंड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक ड्राइव No, आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो चुका होगा ठीक है क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बता दिया और तकरीबन मेरे ख्याल से मैं ये मेरा थर्ड लेक्चर होगा सेकंड ऑनलाइन लेक्चर है और थर्ड जो है अगर टोटल लेक्चर्स को मिला लिया जाए तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है और हम मैं आपको <coughs> इसी चीज में बार बार लेके जा रहा हूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ठीक है आई होप there should be no problem in this thing again just in case aapke sath phir bhi problem hota hai so we will discuss it now let's get into bit more detail now parts of electric drive यहाँ पे जो हमने parts यहाँ पे पढ़े तो अब इन इन पार्ट्स को जरा और डिटेल में देखते हैं कि क्या हो रहा है तो सबसे पहले हमारे इस पूरे सिस्टम का हार्ट जो कि मेन चीज है जो कि इसको चला रहा है वो क्या है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है ठीक है सो हैविंग सेड दैट व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एज वी नो और जिस तरह मैंने आपको पिछले कोर्स में पढ़ाया भी था देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स नंबर वन इज डीसी दैट इज डायरेक्ट करंट मोटर्स एंड द सेकेंड वन इज AC motors, which stands for alternating current motors, right now. In terms of DC motors, we have shunt, separately excited series motors, compound, and the permanent magnet motor. Okay, and you should know about it just in case if you don't remember it. Now take out your old notes, and I expect that see you will refresh now.

एंड देन लीनियर वन उसके बाद हमारे पास मोटर आता है जिसमें एक wound, wound होता है और दूसरा परमानेंट सिंक्रोनस मोटर होता है ठीक है वोंट फील्ड में और परमानेंट मैग्नेट में सिर्फ ये फर्क होता है कि वोंट फील्ड में हमारे पास परमानेंट मैग्नेट नहीं रखे जाते क्यों नहीं रखे जाते ये भी मैंने आप लोगों को सिंक्रोनस मोटर में बताया हुआ था और परमानेंट मैग्नेट इन मोटर हमें क्यों चाहिए होता है ये भी मैंने आपको पिछले कोर्स में बताया हुआ था सो गेट बैक इन टू दिस इन इट आउट वॉज ठीक है इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल केस के मोटर्स हैं जिसको हम ब्रशलेस डी मोटर कहते हैं ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि हम ब्रशलेस डीसी मोटर क्यों यूज करते हैं दोबारा मैं बता देता हूँ के सेंस हमारे पास जो नॉर्मल कार्बन ब्रशेस वगैरह होती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास उसमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है एंड इट क्रिएट्स एंड ऑल उसको मेंटेनेंस दो, so, uh, ठीक है उसमें कार्बन ब्रशेज नहीं होती देन वी अ स्टेपर मोटर और ये स्पेशल केस मोटर है ठीक है दिस has very precise movements and this is used in robotics then we have another type of motor which is called switched reluctance motor and this one is used for space applications space applications use use weight now you might have a question that why do we need लो वेट मोटर्स फॉर स्पेस एप्लीकेशंस नॉर्मली तो हम घर में या किसी भी जगह पे हमने कभी नहीं देखा कि हमने कहा कि मोटर का वेट क्या है और जितना हम मोटर का वेट ज्यादा होता है तो हम खुश होते हैं कि इसमें तो कॉपर ज्यादा है ठीक है सो एक्चुअली वट है यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस एप्लीकेशंस सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द वेट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट ठीक है क्यों क्योंकि जितना स्पेस क्राफ्ट आपका भारी होता जाता है उतना आपको लिफ्टिंग पावर चाहिए होती है और उतने फिर आपको पावर कंज्यूम की जाती है लाइक जो उसका जो फ्यूल है उसको आपने ज़्यादा रखना होता है तो आप सबको पता है कि स्पेस एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजी क्वाइट एक्सपेंसिव है और जो फ्यूल है या उसका वेट हम देखते हैं तो वो फिर काफ़ी हमारे पास एक्सपेंसिव पड़ जाता है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम वेट कम से कम रखें Uh, sorry there is a pop-up let me just disable it uh, let me just just hang on with me sorry about that i think Got a bit stuck. Let me just take it out of the screen. Okay, now uh, going back to the block diagram again, we had something that was called a power modulator. Now, let us see what actually a power modulator is. As I have said, that it matches the requirement of power or motor so what happens is that it converts one form of electrical energy into another form of electrical energy now remember i said one form of electrical energy into another form of electrical energy i did not say electrical energy to mechanical energy or mechanical energy to electrical energy i have said One form of electrical energy into another form of electrical energy. ठीक है दोबारा बता देता हूँ। हम जब मोटर और जनरेटर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे आप एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही दूसरी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है तो इसके साथ हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं सबसे पहली चीज हमारे पास आती है डी सी टू डी सी इनको हम चॉपर्स भी कहते हैं नाउ यू गाइज़ आर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स एंड यू नो वॉट अ चॉपर इज इट डाउन और मे बी अ चॉपर दैट हैव ए सी टू डी सी कन्वर्टर्स ना ये क्या काम करते हैं इट कैन बी अटीफायर डायन बी अफ कंट्रोल रेक्टिफायर इंस अड रेक्टिफायर और कंबिनेशन ऑफ डीसी टू डी सी कन्वर्टर ठीक है अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है एंड आई ए जूम

ओके ना योर असाइनमेंट इज योर असाइनमेंट इज ये डीसी टू डी सी कन्वर्टर जिसमें स्टेप अप से लेके स्टेप डाउन और कंबाइंड फीचर्स और ए सी टू डी सी कन्वर्टर और इसके सारे पार्ट्स ये आप लोगों ने इन दोनों चीजों को एक असाइनमेंट में डाल के मुझे सबमिट करवाना है मेरे ई मेल एड्रेस पे आई विल गिव यू दैट लेटर बट यू नो द क्वेश्चन रिगार्डिंग डी सी टू डी सी एंड इट्स टाइप्स एंड ए सी टू डी सी टाइप्स सिर्फ वो टाइप्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं मेक श्योर द असाइनमेंट्स आर नॉट कॉपीड अगर एक दूसरे से कॉपी कर लेते हैं आप तो फिर आपको कोई समझ नहीं आएगी आई रिपीट टू यू अगेन that the basics of this course should be very very strong theek hai warna aapko samajh nahi aayegi i hope uh, you have enjoyed today's lecture and it should be quite easy for you because main bahut slow isme gaya hu usually जो हमारे तीन से चार या पाँच lecture होंगे आगे वो हम सब सारे एक ही lecture में करवा देते हैं but keeping in mind कि हम online classes ले रहे हैं तो इसलिए मैं इसको बहुत slow slow जा रहा हूँ ठीक है आई एम अपलोडिंग द लेक्चर आप इसको देख लें एंड टूमारो वी विल डिस्कस दिस लेक्चर ओके हैव ए नाइस डे गुड बाय टेक केयर